जय गुरुदेव। 10 फरवरी सन 2003 सुबह परम पूज्य परम आदरणीय अनामी महाप्रभु की अति से अति असीम कृपा से आज सुबह ध्यान में गुरु महाराज ने दिखाया कि कोई बड़ा वन है, अति आनंदित वृक्ष शोभायमान है। मुझसे करीब 20 गज के फासले पर बहुत ही रमणीय, अति से भी अति सुंदर, सफेद से भी अति सफेद महल बने हैं। महल का जो भाग मेरे सामने है उस पर अति से भी अति सुंदर और सुंदर से भी अति सुंदर सोने की सजावट की जा रही है और उसकी सुंदर सजावट के सीन क्षण क्षण में बदल रहे हैं, जिनके एक कण का भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह क्षण क्षण में बदलते सीन किसी के भी वर्णन में नहीं आ सकते। सच्चे परम पिता, आपकी माया अपरंपार है, आपकी लीला अजीब है। फिर यह अत्यंत सुंदर सीन काफी देर तक चलते रहे, फिर वो सफेद महल का सीन समाप्त हो गया और दूसरे सीन चालू हो गए और दूसरे महलों का सीन चालू हो गया। ये महल ब्रॉन्ज यानी हल्के लाल पत्थर के कलर के थे। इन महलों पर अति सुंदर सोने की मोती या और किसी धातु के होंगे, उनकी अजीब किस्म की लड़ियों से इसे सजाया जा रहा है। सजाने के लिए सोने की जो लड़ियां हैं उन्हें सोने के तारों से बटकर और गूंथ कर बनाया गया है। सोने के जो तार हैं उनकी मोटाई अत्यंत महीन, सिर के बालों की मोटाई के बराबर है। जैसे मकान पर बालकोनी बनाते हैं, इसी प्रकार उस महल पर भी उन सुंदर लड़ियों से झालरें सी लटकने लगती हैं और क्षण भर में वे झालरें वो लड़ियां खड़ी हो जाती हैं। कौन लटका रहा है, कौन उन्हें सजा रहा है, क्षण क्षण में सब बदल रहा है, कोई दिखाई नहीं देता है। जो सीन इन महलों का चल रहा है बहुत अजीब है, मैं उसकी सजावट का एक कण भी नहीं लिख पा रहा हूँ। तो जो समुद्र सीनों का दिखाई देता है उसमें से एक कण भी लिखने में नहीं आ सकता। यद्यपि उठने का दिल नहीं चाह रहा था कि उठूं, वहाँ की लीला बहुत ही अजीब है, बिल्कुल उठने की कोई इच्छा नहीं थी। हे दाता, आपकी महिमा अपरंपार है, आपके एक कण का भी पार कोई नहीं पा सकता और न कोई आपके एक कण के विस्तार को जान सकता है। हे दाता, मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को क्षमा करना, मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा दे देना। 11 तारीख की सुबह अनामी महाप्रभु की दया से ध्यान में बड़े बड़े पर्दे और उन पर अति सुंदर चमकीले रंगों से भरपूर डिजाइन बने थे, उनमें बड़ी चमक थी। शुरू शुरू में ये पर्दे करीब 20-20 फीट लंबे चौड़े होंगे, बाद में इनकी लंबाई चौड़ाई बढ़ती गई और आसमान तक छा गई। ऊपर आसमान नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। जब ये आसमान तक छा गई फिर उसमें बारीक से भी अति बारीक कसीदे का काम दिखाई देने लगा, जो अनेकों रंगों से भरपूर था और क्षण क्षण में सीन बदलते रहे, जिनको मैं काफी देर तक देखता रहा। फिर वो सब सीन आलोप हो गए और मैं भी उठ गया। उधर सीनों का आनंद तो उधर सिर के बीचों बीच घंटे की मधुर ध्वनि गुंजायमान हो रही थी, यानी गूंज रही थी। ये थी अनामी महाप्रभु की लीला। ये सब दिखाई देना या सुनाई देना या शरीर में से कोई सूरत का निकलना, ये सब उनकी दया का खेल है। मैंने ये सब उनकी मेहनत के कारण देखा है। 11 तारीख की दोपहर ध्यान में गुरु महाराज की असीम दया कृपा से मैंने देखा कि सामने वृक्षों के झुंड मेरी तरफ बड़ी तेजी से चले आ रहे हैं, बहुत तेजी से मेरे पास आ रहे हैं। मेरे पास आते और आते आते उनके क्षण क्षण में सीन बदल रहे हैं। कुछ देर बाद ये सीन समाप्त हो गए और फिर
मेरे दाई तरफ से बाई तरफ को एक बड़ी तेज रोशनी होती जा रही है। ऐसा मालूम दे रहा है जैसे कोई उस रोशनी को खींच कर ले जा रहा है। जो खींच कर ले जा रहा था वह मुझसे 3-4 फुट के फासले पर था, पर उसे मैं साफ अच्छी तरह से नहीं देख सका क्योंकि वो अपनी शक्ल आड़ा होकर छिपाए हुए था। फिर वो रोशनी समाप्त हो गई और वो सीन समाप्त हो गया। 11 तारीख की रात के 1:30 बजे जब तक मैं सोया नहीं था, सुमरन ध्यान भजन करके मैं लेट गया था, फिर भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैं फिर आंख बंद करके ध्यान करने लगा तो एकदम से मेरे बाई तरफ से पहले धाम के देवता ने दर्शन दिए। मेरे बाई साइड में आंख से करीब 2 फीट के फासले पर एक बड़ी तेज रोशनी हुई जो मेरी आंख को चुभी। मैंने मन में कहा कि अरे किसने ये तेज रोशनी कर दी जो मेरी आंख में चुभ रही है। इतना सोचा ही था कि किसी ने अपना हाथ उठाया और वो रोशनी तुरंत बंद हो गई। रोशनी बंद होते ही दिल में एकदम धक से हुआ कि मैंने ये क्या किया, ये क्या सोचा। वो रोशनी चंद सेकंड ही रही और फिर कुछ दिखाई नहीं दिया। रात के 2 बजने जा रहे थे, फिर मैं सो गया। जय गुरु।